सड़ने का, फूलने का, दिमक लगने का, वो उसमें कुछ है नहीं। और प्लाईवुड में अपना बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। पूरी सीट होलो है और होलो है इसका मतलब ये नहीं कि मजबूत नहीं है, ये पूरे अपने प्लाईवुड के कंपेयर कर, पार्टी को समझो का, पार्टी का काम 2 लाख या 2.5 लाख से ऊपर हो रहा है जी, कोई भी घर का काम। हाँ। तो वो काम अपना ये 2,20,000 से 2 लाख के अंदर तक हो सकता है। अभी जैसे ये डोर बनाते हैं तो डोर में देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डोर की कटिंग करते हैं सेम साइज में। अच्छा। कटिंग करने के बाद में इसमें अपन जहाँ पे अपना कब्जा लगता है, इंजिस लगता है, वहाँ पे अपन एक वुड फंसाते हैं, वुड का टुकड़ा इतना फंसाते हैं। ये इंजिस का एक सबसे बेस्ट बेनिफिट है कि ये कभी जिंदगी में निकलता नहीं लाइट वेट होने की वजह से। लगेगी तो इसका फाइनल लुक आएगा वो एकदम लग्जरी लुक आएगा, एकदम क्लासिक लगेगा एकदम। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों हम आए यहाँ पर, हमारे इंटीरियर का काम चल रहा है यहाँ पर साइट पर आए, और यहाँ पर यूपीवीसी का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं आधा काम तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और आधा काम अभी बचा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम यूपीसी के बारे में बात करने वाले है कि यूपीवीसी कैसे लगाई जाती है, यूपीवीसी की जो डिजाइन है उसके बारे में बात करने वाले है, और भी काफी कुछ बात करने वाले है। और हाँ, आज की इस वीडियो में हम जो हमारे इंटीरियर मास्टर है, जो कारपेंटर है राजू भैया, उनका हम इंटरव्यू लेने वाले हैं, उनसे हम बात करने वाले हैं, और उनके अनुभव से, उनके एक्सपीरियंस से हम जानने वाले हैं कि कौन किस तरीके से यूपीसी को लगाते हैं, और यूपीसी के बारे में जानने वाले। और अगर आप इसी फील्ड में काम करते हैं या फिर कारपेंटर है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप जानेंगे कि यूपीवीसी किस तरीके से लगाते हैं, कौन कौन सी गलतियां जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, और चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ है हमारे इंटीरियर मास्टर राजू भैया। तो राजू भैया अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे व्यूअर्स को कि आप किस चीज में डील करते हैं, क्या क्या काम करते हैं। मेरा नाम जागीर राजेश है और मैं यही अपना रियल प्लास्ट पीवीसी में काम करता हूं, और मेरे को समथिंग 10-12 इयर्स हो गए इस फील्ड में। और इसका जो भी मैन्युफैक्चरिंग से लेके डिजाइनिंग वर्क, मतलब जितना भी हो सके उतना सब, मतलब मेरे को लगभग लोग जहाँ तक हो सके एक्सपीरियंस है इसके बारे में। और इसमें सबसे बेस्ट काम ये इसका ये कि भाई अपने एक तो जल्दी इंस्टॉलमेशन का काम है, अपने प्लाईवुड से भी बहुत जल्दी होता है इसका काम, बच जाता है। हाँ, तो प्लाईवुड से बहुत जल्दी काम हो जाता है इससे। और दूसरी बात ये सड़ने का, फूलने का, दिमक लगने का, वो उसमें कुछ है नहीं। और प्लाईवुड में अपना बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है। हाँ, उसमें अपने को समझो किचन का काम है, अभी किचन के काम में लगभग 90% वाटर का काम रहता है, और वाटर के कारण मतलब प्लाई फूलना शुरू हो जाती है, लेमिनेट निकलना शुरू हो जाती है अपना। इसमें ये अपना पूरा एक तो लाइट वेट है, दूसरी बात इसमें मतलब ये पूरा पीवीसी है, यूपीवीसी है टोटल, तो यूपीवीसी इसकी वजह से अपने को इसमें दिमक लगने का, सड़ने का, फूलने का कोई भी कोई है ही नहीं, चांस ही नहीं बिल्कुल 1% भी। तो ये अपना इसके लिए होता है, ठीक है ना। फिर अपने इसमें होता है जैसे ये किचन बन रहा है अभी, फिर कॉकरी यूनिट बनेगा, फिर उसके बाद में लॉफ्ट बन रहा है, और पूरा घर का काम कर सकते हैं अपन, पूरा यूपीवीसी पूरा काम ये अपने यही सीट पे कर सकते हैं। और देख सकते हैं आप ये पूरी सीट होलो है, और होलो है इसका मतलब ये नहीं कि मजबूत नहीं है, ये पूरे अपने प्लाईवुड के कंपेयर करती है, 90 mm है। और दूसरी बात पूरा प्लाईवुड से मतलब सेम कंपेयर करती है कि अपन इस पे समझो ये अपनी सीट आती है 2x6 की आती है अपनी, मतलब 22x78 की साइज आती है अपनी, ठीक है। तो उसमें अपन कितना भी समझो 200 किलो भी वेट रखा तो भी अपने कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कभी भी ऐसा। और दूसरी बात ये है कि इसमें अपना प्लाईवुड से इसमें भी थोड़ा बहुत मतलब पैसे में भी डिफरेंट रहता है, जैसे बजट में डिफरेंट रहता है। पार्टी को समझो का पार्टी का काम 2 लाख या 2.5 लाख से ऊपर हो रहा है जी, कोई भी घर का काम। हाँ। तो वो काम अपना ये 2,20,000 से 2 लाख के अंदर तक हो सकता है ये काम, मतलब जो प्लाईवुड का काम होता है उससे सस्ता ही पड़ता है हमारा यूपीवीसी का। हाँ, ये काफी ड्यूरेबल होता है, काफी स्ट्रॉन्ग होता है,
प्लाईवुड से भी कंपेयर करें लेमिनेट से, हाँ, तो खर्चा भी कम आता है, हाँ, तो फायदे भी इसके ज्यादा है। और दूसरी बात ये समझो, आप अपने को क्या होता है कि 5 साल बाद में, 6 साल 10 साल बाद में अपने को ऐसा लगता है यार अपने को थोड़ा ये डल लगने लग गया, हाँ, तो इसी पे अपन एक पीवीसी की लेमिनेट आती है, पीवीसी की 1.5 mm की आती है, 1 mm की आती है, 0.8 mm की भी आती है, तो वो लेमिनेट लगा के अपन इसको वापस नया कर सकते हैं। इसको अगर मैं चाहता हूँ इसके ऊपर दूसरे फिनिश का लगाए, फिनिश का लगाना चाहूँ तो इसके ऊपर लगा सकते हैं, हाँ, अपन इसके ऊपर दूसरा लगा सकते हैं। तो भविष्य में अपने को 5 साल 10 साल बाद में अपने को ऐसा लग रहा है कि ठीक है यार अपने को थोड़ा सा रिनोवेशन करना है, या फिर अपना थोड़ा फर्नीचर पुराना टाइप में हो गया, तो अपन उसको पूरा नया का नया कंपेयर कर सकते, नए के टाइप में कंपेयर कर सकते हैं, खाली लेमिनेट लगा के। उसमें लो कॉस्ट में काम हो सकता है, जैसे अपना ये पूरा काम 2.5 लाख से 3 लाख में हो रहा है, वो काम अपना सिर्फ 50,000 और 50,000 से 1 लाख रुपए के अंदर हो सकता है वो काम। अच्छा, ऐसा तो एक वो अपने को बेनिफिट मिल जाता है। और तो इसमें क्या है, जल्दी फास्ट इंस्टॉलमेशन का काम है, टाइम बचत जाता है, टाइम का बचत होता है, मतलब पार्टी का टाइम बचता है, अपना टाइम बचता है, और प्लस साथ में जो अपना अपने से बड़े होता है उसका भी टाइम बचता है, कंपनी का उसमें अच्छा रहता है, बेनिफिट मिल जाता है कंपनी को भी। तो राजीव भी आप हमें बता सकते हैं कि जो यूपीएससी होता है इससे किस किस तरीके से लगाते हैं, किस तरीके से आपने ये बनाया है, ये बता दो। देखो जैसे अभी ये बॉक्स बनाया है, सबसे पहले इसका चौरस स्क्वायर में बॉक्स बना दिया, बॉक्स बना के पीछे अपना 5 mm का पैनल लगा रखा है, ये जो बैकग्राउंड में वो अंदर पूरा व्हाइट थीम दिया, हाँ पूरा व्हाइट थीम दे रखा है। अभी जैसे ये डोर बनाते हैं तो डोर में देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डोर की कटिंग करते हैं सेम साइज में। अच्छा, कटिंग करने के बाद में इसमें अपन जहाँ पे अपना कब्जा लगता है, इंजिस लगता है, वहाँ पे अपन एक वुड फंसाते हैं, वुड का टुकड़ा इतना फंसाते हैं और इधर भी इतना फंसाते हैं, दो वुड के टुकड़े फंसाते हैं। ये वाला वुड का टुकड़ा, ये तो बड़ा है, ये फ्रेम का है, इसके लिए एक छोटा टुकड़ा है, हाँ पतला आता है, सेम इसी साइज में अपना कटिंग आता है कम्प्लीट। जैसे फ्रेम का आएगा वो लगाएगा, इसका पैनल का आएगा वो लगाएगा, तो उसके हिसाब से अपना इसमें फंसा देते और उसके हिसाब से अपन इसको कटिंग करके और ये इंजिस फिटिंग कर देते हैं। ये इंजिस का एक सबसे बेस्ट बेनिफिट है कि ये कभी जिंदगी में निकलता नहीं, लाइट वेट होने की वजह से, ठीक है ना, काफी लाइट, हाँ, लाइट वेट होने की वजह से ये अपना कभी भी हिलेगा नहीं, बस इसका मतलब अपने को फिटिंग सबसे बेस्ट चाहिए। और इसमें खाली एक ही अपने को ध्यान रखना होता है कि कोई भी धारदार चीज होती है बस उससे अपने को दूर रखना होगा। स्क्रेचेस नहीं आ सकते, स्क्रेच आएंगे तभी जब अपन धारदार वस्तु यूज करेंगे, उससे अपना इसमें होल भी हो सकता है और अपना स्क्रेच भी हो सकता है। जैसे नॉर्मली अगर अपन ने ऐसे और नॉर्मल अपने कितने बड़े, मेरे अभी देखो अभी मेरा नाखून भी बड़ा है, अपन कितना भी नाखून से भी करेंगे तो भी इसमें स्क्रेच नहीं आएंगे कभी भी, फिंगरप्रिंट्स स्क्रेचेस कुछ भी नहीं आएगा इसमें। इसमें बहुत सारी जैसे अभी ये ग्लोसी टेक्चर है, इसमें एकदम ग्लोसी फिनिशिंग मिलती है, ठीक है, और जैसे अपने इसमें एक टेक्चर भी आता है और फिर उसमें एक हाई प्रोफाइल टेक्चर भी आता है और फिर उसके अलावा एक अपने को उससे भी हेवी सीट भी आती है, वो सीट अपने बेड बनाने के लिए, सोफा बनाने के अपन यूज करते हैं। और इसमें जैसे अपने टीवी नेट अपना ऑल टोटल जो वुडन में काम हो रहा है वो काम अपन यूपीवीसी में करके देते हैं और वो भी सस्ते बजट में, थोड़ा कम बजट में, अपना इस प्लाईवुड से समथिंग अपन करना जाए, कंपेयर करने जाए तो समथिंग 20% का अपने को उसमें फायदा मिलता है अपने को। अच्छा, 20% कम में अपना काम हो जाता है। हाँ, 20% कम में काम मिलता है और सेम काम मिलता है, ये भी नहीं है कि उसमें अपने को काम में भी जैसे कम ज्यादा हो रहा है, अपने को काम में फिनिशिंग नहीं मिल रही है, ये नहीं हो रहा है, अपने को वुडन से ज्यादा फिनिशिंग मिलेगी अपने को इस काम में। तो कॉस्ट की अगर हम बात करें तो शीट की, मतलब एवरेज बात करें कि मार्केट में एवरेज, मार्केट में देखो शीट की तो अपन अपने पास में नहीं होता है क्योंकि वो अपने को डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर का मैं बता सकता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटर को वहाँ पे जाओगे शीट आलार स्टेट में, आलार तहसील में, जहाँ पे अलग डिफरेंट, हाँ सब जगह पे अलग अलग रेट में मिलता है। जैसे ये कंपनी जैसे हमारी अहमदाबाद के हिम्मत नगर में है और इसका नाम है रियल प्लास्ट कंपनी, ठीक है ना, तो ये कंपनी का जैसे अभी ये ट्रांसपोर्ट है, जैसे अपना ट्रांसपोर्ट से अपने दुकान तक आने का भाड़ा है वो थोड़ा, हाँ जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना वो थोड़ा अपना कुल मिला के हर स्टेट का अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से वो ये डीलर तय करते हैं कभी इसका रेट क्या हो रहा है इसके हिसाब से, ठीक है ना। अब जैसा कि राजू भैया मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, यहाँ पर किचन का काम चल रहा है, यहाँ पर कैबिनेट बन रहे हैं, वार्डरोब बन रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ इसे एक्सप्लेन करिए कि यहाँ पर किस तरीके से, यहाँ पर आपने डिजाइन किस तरीके से यहाँ पर की है। तो अपन ने जैसे अभी ये कोकरी यूनिट है,
कोक यूनिट का मतलब होता है इसमें छोटे छोटे डब्बे रखने का होता है, जैसे घर में जो जो रसोई, हाँ रसोई में जो सामान यूज होते हैं वो सामान रखने का होता है। इसमें अभी अपन यहाँ पे ग्लास भी डाल सकते हैं और ग्लास नहीं भी डाल सकते, प्लस इसमें हाइड्रोलिक भी लगा सकते हैं, ये हाइड्रोलिक के लिए बनाया हुआ है, ठीक है ना। और इसमें समझो इधर अपना एक दरवाजा बनेगा और दरवाजा बनेगा उसमें अपन सेल्फ डाल सकते हैं, वो भी अपने एडजस्टमेंट सेल्फ मतलब अपन इधर उधर कर सकते हैं सेल्फ को भी। तो इसको ऊपर नीचे करने के लिए कुछ आप यहाँ पर सपोर्ट लगाएंगे? जी जी जी, यहाँ पे हैंडल आएगा, इसके अंदर ग्लास फिटिंग होगा, यहाँ पे हाइड्रोलिक लगेगा, ठीक है ना। तो हाइड्रोलिक लगेगा तो उससे क्या अपन यहाँ पे ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। अभी जितने देर यूज करना है उतनी देर अपन यूज कर सकते हैं, बाकी अपने को फिटिंग करें तो ऑटोमेटिक ये अंदर चला जाएगा और ऑटोमेटिक फिटिंग हो जाएगा पूरा। तो इसके क्या क्रैक होने के चांसेस होंगे क्या? नहीं, 1% भी चांस। जैसे कि अपना नुकीली चीजें देख लीजिए, अगर किचन में नुकीली चीजें इसके ऊपर हो गई तो उसके क्या जोर से फेंका गया क्या टूट सकता है? नहीं, जोर से फेंका गया तो ही टूट सकता है, बहुत जोर से। अच्छा, बहुत ज्यादा तीव्र, जैसे 120 की स्पीड से फेंकते तो टूट सकता है, बाकी ऐसे नॉर्मली अपना जैसे ये टेप एकदम नॉर्मल से पटक दिया इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं होगा, जैसे अपन कोई भी एक जोर से भी यदि इससे भी जोर से भी मार भी देंगे ना तो भी ऐसे कुछ नहीं होने वाला, ये चीज से अपन जोर से मारेंगे ना तो भी कुछ नहीं होने वाला इसका, ठीक है ना। कुछ भी स्क्रेचेस भी नहीं आया ना कुछ भी, यार डिफरेंस ही नहीं हो रहा है दोस्तों। अगर करेंगे तो केवल सिर्फ नुकीली चीजों का अगर इस्तेमाल करेंगे तो स्क्रेचेस आएंगे इस पर। काफी लाइट वेट है, काफी सस्ता है, काफी ड्यूरेबल है अगर हम लेमिनेट प्लाईवुड उनसे कंपेयर करें तो। अब जैसे कि राजू भैया हमारा कोई व्यूअर हमारा देख रहा है, वो इस फील्ड में काम कर रहा है, कोई कारपेंटर है, तो आप उन्हें सजेस्ट करिए कि अगर वो यूपीसी का काम कर रहे हैं तो कौन कौन सी गलतियां ना करे, कौन कौन सी सावधानियां यूपीसी को लगाते समय वो ध्यान रखे। जी देखो, मेरा बात कहना ये है कि जैसे कोई भी कंपनी से जुड़ा हुआ आदमी है, कोई भी कारपेंटर है और कोई भी फील्ड से है, उसको काम कर यदि यूपीसी का काम कर रहे हैं तो उसको हर चीज का कहां पे स्क्रू लगाना है, कहां पे उसको स्क्रू यदि छूट गया तो वो भी एक बार रिपीट चेक करना है। यदि अपन कहीं पे फिनिशिंग कर रहे हैं तो उसका कलर डैमेज ना हो, और अपने को कोई भी यदि अपन जैसे ट्रॉली फिटिंग कर रहे हैं, कुछ भी फिटिंग कर रहे हैं, तो उसका कंप्लीट एक बार पूरा रिचेक करो, और रिचेक करने के बाद में ही पार्टी को मतलब पार्टी अंडरस्टैंड होने के बाद में ही अपन उसको अवर एंड करो। तो उससे क्या होता है कि एक तो अपनी कंपनी की या फिर अपने कोई भी कारीगर की इमेज खत्म नहीं होती है, उससे क्या कारीगर की इमेज हमेशा बढ़ती ही जाती है, कम नहीं होती है उससे, ठीक है ना। तो उससे ये सबसे बेस्ट है कि भाई अपने को कोई भी काम करो उसको एक बार दोबारा रिपीट चेक करो, और रिपीट चेक करने के बाद में फिर अपने पार्टी को अवर एंड करो, फिर तो ओवरऑल रिजल्ट चेक कर ले, आउटडोर फिनिश विनिश। हाँ, और सबसे मेन बात ये है कि जैसे बहुत सारे कारीगर होते हैं वो बहुत सारा फास्ट काम करने के चक्कर में ये जो ये एज बेंडिंग लगाते हैं वो एज बेंडिंग पूरा घिस मतलब यहाँ से कलर उतार के घिस देते हैं और फटाफट काम करके निकल जाते हैं, तो वो सबसे बेस्ट मेन ध्यान रखने का काम यहाँ पर वो कलर उतर जाए। हाँ, ये जो ये हाँ ये जो ये यहाँ से है ना अपना जो मेन सामने का फ्रंट भाग है उससे डैमेज कलर डैमेज होता है, और उससे क्या थोड़ा अपना फिनिशिंग का ये बिगड़ जाता है, ठीक है ना। इसका सबसे बेस्ट ध्यान रखना होता है। दूसरी बात ऐसे भी होता है कि हमारे बहुत सारे कारीगर है, हालांकि मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन बता रहा हूं मैं कि भाई उसमें क्या करते हैं, जैसे चैनल फिटिंग करते हैं तो वो चैनल में क्या करते हैं, बहुत सारे कारीगर ऐसे होते हैं कि वो फटाफट मतलब समझो ये हमारा किचन है, ये किचन हम एक दिन में भी रेडी कर सकते, 3 घंटे में भी रेडी कर सकते हैं और 1.5 दिन में भी रेडी कर सकते हैं, और इसका मैक्सिमम टाइम होता है वो 1.5 से 2 दिन का होता है, ठीक है ना। अपने को नॉर्मल किचन का जो टाइम होता है वो 1.5 से 2 दिन, हाँ 1.5 से 2 दिन का होता है, ठीक है ना। अभी हमारे जो भाई बंद होते हैं ना वो क्या करते हैं कि फटाफट काम करने के चक्कर में पैसे के लालच में वो फटाफट काम करते हैं और 3 घंटे से 5 घंटे के अंदर किचन को खत्म करके चले जाते हैं वो लोग। उसकी मेन गलतियां क्या होती है, फिर उनका 2 महीने या 5 महीने के अंदर हमारी यूपीएससी का नाम खराब करते हैं वो लोग। तो वो क्या करते हैं, चैनल जैसे फिटिंग करना होता है उसमें स्क्रू नहीं पड़ते, वहाँ पे हमारा काम सबसे ज्यादा पेट से होता है, ये 502 पेस्ट आती है इससे ज्यादा काम होता है हमारा, इससे एज बेंडिंग इसी लगाते हैं, और लगभग डिजाइनिंग वर्क होता है वो इसी से चिपकता है, और जो मतलब मोस्टली काम हमारा इसी मोस्टली काम इसी से होता है। उसके बाद में स्क्रू यूज होता है, स्क्रू के बाद लकड़ी यूज होता है, लकड़ी के बाद में अनदर आइटम यूज होते हैं, ठीक है ना। तो वो लोग क्या करते हैं इसी से चिपका के और उसमें 2 स्क्रू भर के और चले जाते हैं वो लोग, तो उससे क्या है कि मजबूती कम हो जाती है। अभी हाँ अभी इसमें अपन पूरा 50 किलो का पूरा वेट लगा सकते हैं, मतलब आराम से वजन रख सकते हैं 50 किलो, ठीक है ना। इसमें तब भी कुछ भी नहीं होगा। अभी
मैं दूसरे की, चलो पार्टी की बात नहीं करना चाहूंगा, मैं मेरे घर की बात करना चाहूंगा। आज मेरे घर पे 4 साल हो गए किचन बनाए हुए, मैंने आज तक उसका चैनल चेंज नहीं किया, मैंने आज तक उसका सामने फ्रंट का इनसाइड का मैंने आज तक देखा ही नहीं, और वो एकदम स्मूथ है आज तक। जैसा बनाया वैसा का वैसा ही है। आज 4 साल हो गए मेरे को मेरे घर पे बनाए हुए, और उसमें ट्रॉली भी ये नहीं है कभी चलो 2 ट्रॉली है 3 ट्रॉली है तो उससे मतलब पता चलता है कभी ट्रॉली में जंग लगता है और है, तो मेरे घर पे 10 ट्रॉली लगाई है मैंने खुद ने, तो उसमें आज तक जंग नहीं लगा। बहुत सारे जैसे कस्टमर होते हैं वो बोलते हैं कि हमारे चैनल में जंग लग गया, तो जंग लगने का कारण ये होता है कि अपन सफाई नहीं रखते, ऑयल टाइम पे नहीं करते। तो ऑयल टाइम पे करेंगे और सफाई रखेंगे तो उसमें अपन 5 साल भी यूज करेंगे 10 साल भी यूज करेंगे तो उसमें जंग नहीं लगेगा, ये मैं गारंटी है, क्योंकि मेरी 4 साल में आज तक मेरी कोई भी चैनल जंग नहीं पकड़ी आज। तो इसमें कोई सा मेंटेनेंस कॉस्ट रहता है क्या अलग से? नहीं, मेंटेनेंस कॉस्ट देखो अभी हमारी जो कंपनी होती है वो कम से कम 5 से 6 ईयर्स की गारंटी तो देती है कि भाई 5 से 6 ईयर्स में कुछ भी अपना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि बाई चांस कुछ भी निकल गया तो हमारा कोई भी लेबर, यदि हमारे कोई भी समझो स्टाफ का आदमी होगा, वो तैयार करके जाता है मतलब 5 साल के अंदर अंदर, ठीक है ना, वो हम एक टाइम पीरियड देते हैं उसके हिसाब से, तो 5 साल के अंदर यदि कुछ भी स्क्रू भी ढीला हो गया तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट हम तैयार करके जाते हैं, और हमारी कंपनी भी यही देती है कि भाई चलो ठीक है 5 साल 10 साल का जो भी होता है वो मतलब अलग अलग एरिया वाइज अलग अलग होता है, कारीगर भी डिफरेंट करता है कि भाई कारीगर भी कैसा है कैसा नहीं, और हमारी कंपनी ऐसा भी है कि कारीगर भी सिलेक्ट करके रखती है, जैसे जिसको कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होता है वही कारीगर अपने सिलेक्ट करके बाहर आउट ऑफ स्टेट में भेजती है ऐसा, और जो ज्यादा एक्सपीरियंस वाला होगा या फिर ज्यादा काम वाला ज्यादा जानकारी वाला होगा तो उसको आउट ऑफ कंट्री भी भेजते हैं। तो काफी ट्रस्टेड ब्रांड है दोस्तों ये रियल प्लास का ब्रांड, काफी ट्रस्टेड है। ये अपना पीवीसी का काम देखो ना, अपने साउथ अफ्रीका में चल रहा है, अपने थाईलैंड में चल रहा है, अपने उधर मलेशिया में चल रहा है, रियल प्लास का ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है। हाँ, अभी जस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में तो पूरे में तो कवर नहीं किया है, कुछ लेकिन कुछ कंट्री में कवर कर रखा है, प्लस अपने इंडिया के 22 स्टेट कवर कर लिए, और आगे भी अपना ऐसा है कभी जात को उसके बढ़ते चले जाने का, ग्रो करना ही है, सबको ग्रो करना है। तो दोस्तों इस साइड पर जहाँ पर आए हम, यहाँ पर किचन के साथ साथ यहाँ पर मंदिर टेंपल का भी काम चल रहा है, यहाँ पर यूपीवीसी का ही इस्तेमाल किया है, यूज किया है, तो इसे भी आप यहाँ पर हमारे राजू भैया इसे एक्सप्लेन करेंगे, आपको रिव्यू देंगे आपको कि ये किस तरीके से डिजाइन किया गया, एक बार देख लीजिए आ जाइए। देखो ये अपना मंदिर का काम चल रहा है, ये यूपीवीसी में है अपना, ये जो कटिंग है ये अपना हाथ से कटिंग है, ये अपना कोई सीएनसी कटिंग नहीं है, प्लस इसमें अभी तो जो रनिंग वर्क है उसका वीडियो है, और उससे क्या अपने को ज्यादा पूरा पता नहीं चल रहा है कभी मतलब क्या काम फाइनल आउटलेट का पता नहीं चल रहा है बराबर, और जब फाइनल हो जाएगा ना उसके बाद में अपने को पूरा ऐसा लगेगा कि अपने पूरा प्लाईवुड में काम किया है, और प्लाईवुड से भी अपने को बहुत ज्यादा मतलब एक क्लासिक लगेगा एकदम। तो ये भी ये मंदिर पुजारम का काम है और ये मंदिर का है, तो मंदिर में जैसे सेम टू सेम अपना मंदिर टाइप में अपने किया है, ठीक है ना, नीचे में अपना सेम टाइप में ये देखो ये फ्रेम भी यूपीवीसी की, जैसे अपना ये फ्रेम है ये यूपीवीसी की फ्रेम है, जैसे प्लाईवुड में बनाते हैं प्लाईवुड में वो अलग से एक मतलब प्लाई कटिंग करके और उससे फ्रेम बनाते हैं, अपना ये ऑलरेडी कंपनी अपने को देती है कि अपने इसमें एक वुड डालने का है, या फिर कंपनी की भी पीवीसी की आती है, जैसे जहां पे दिमक की ज्यादा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो दिमक की प्रॉब्लम होती है वहां पे अपने को कंपनी इसमें ही एक स्टिक बना के देती है प्योर पीवीसी की, तो वो मतलब वो स्टिक में अपना स्क्रू टाइट होते हैं। अभी जैसे यहाँ पे अपने को दिमक की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो अपन यहाँ पे वुड यूज कर रहे हैं, तो ये फ्रेम ये जो ऑलरेडी ये फ्रेम ऑलरेडी बन गई है, यहाँ पे भी डोर बनने बाकी है, यहाँ पर क्या कबर्ड बनेंगे? हाँ, यहाँ पे डोर मतलब कबर्ड बनेगा, यहाँ पे ड्रॉअर बनेगा, वो फाइनल लुक में आपको दिख जाएगा उसमें, ये निकल सकती है, और ये भी फोल्डेबल है, इसमें भी ये फोल्डेबल है, अपन इसको भी चाहे जहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इसको अपन चाहे कि अपने को बड़ा चाहिए तो बड़ा कर सकते हैं, यदि अपन चाहे कि इसको छोटा करना है तो छोटे के लिए अपन वापस फिट कर सकते हैं, अपने को चाहिए कि ये बहुत बड़ा चाहिए तो ये बड़ा करना है तो अपने को इसको डायरेक्ट नीचे डाल दो, ये हाँ ये कस्टमाइज कर सकते हैं, नीचे डाल देंगे तो ये फिट हो जाएगा ऐसा, और वापस चाहेंगे तो अपन इसको उठा के और ऐसे फिट कर सकते हैं ऐसा, तो उसमें क्या अपने को जितना चाहिए उतना जगह मिल जाएगा ऐसा, तो ये क्या है मूवेबल भी है और लाइट वेट भी है और एकदम स्ट्रॉन्ग भी है। दूसरी बात इसमें जब ग्लास फिटिंग होगा इसमें ऊपर लाइटिंग लगेगी तो इसका फाइनल लुक आएगा वो एकदम लग्जरी लुक आएगा, एकदम क्लासिक लगेगा एकदम। तो अभी उसमें काम बहुत सारे बाकी पड़े, अभी जैसे आपने किचन में देखा, जैसे अभी आपने लॉफ्ट में देखा, वो बहुत सारा काम अभी बाकी है, फाइनल लुक बनेगा तो उसमें कम से कम अपने को 2 से 3 दिन और लग जाएंगे,
दो तीन दिन बाद में अपना जो फाइनल लुक आएगा उसके बाद में आप देखोगे तो आपको पूरा ही चेंज मिलेगा। अच्छा। आपको लगेगा नहीं कि ये अपना पीवीसी यूपीवीसी का फर्नीचर है या फिर अपना वुड प्लाईवुड का फर्नीचर है। और दूसरी बात यह है कि जो अपनी रियल प्लास्ट कंपनी है वो रियल प्लास्ट कंपनी अपना वर्ल्ड नंबर वन चल रही है, जैसे इंडिया नंबर वन चल रही है अभी फिलहाल। गुजरात को इसको दो बार अवार्ड मिल चुका है, गुजरात का बेस्ट अवार्ड मिल चुका है अभी। अच्छा। दो साल का दो बार में अवार्ड मिल चुका, अभी तीसरी बार में हो सका तो कंटिन्यू चलता रहेगा। यूपीवीसी में रियल प्लास्ट सबसे बेस्ट चल रही है अभी, अहमदाबाद की कंपनी। हाँ, अहमदाबाद की अपना हिम्मत नगर के पास में कंपनी है, वो कंपनी अभी सबसे बेस्ट चल रही है सिर्फ और सिर्फ यूपीवीसी में ही। हाँ, यूपीवीसी में। इसके अलावा बहुत सारी 50-60-100 कंपनी है, बहुत सारी है, लेकिन वो कंपनी के अपन गारंटी नहीं लेते। अभी मैं खुद 10 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं दूसरी कंपनी में आज तक गया ही नहीं, दूसरी कंपनी का काम भी नहीं किया कभी। एक दो बार काम किया तो उसका मेरे को मजा नहीं आएगा दूसरी सीटों में, तो उसके लिए अपन तो शुरू से आज तक यही काम कर रहे हैं। 10 साल से रियल प्लास्ट में ही काम कर रहे हैं दोस्तों। और राजू भैया की मैं बता दूं तो राजू भैया 12 साल से इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, 12 साल से इसी फील्ड में, काफी एक्सपीरियंस्ड ही हमारे इंटीरियर मास्टर है। तो दोस्तों ये था हमारा राजू भैया से इंटरव्यू। इस वीडियो में हमने आपको यूपीवीसी के बारे में बताया, यूपीवीसी कैसे लगाते हैं, मतलब सब कुछ आपको ऑल हमारी जो यूपीवीसी रिलेटेड डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। और इससे पहले भी हमने एक और वीडियो बनाई थी यूपीवीसी के बारे में आयुष भैया और धीरेन भैया के साथ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उससे भी आपके यूपीवीसी रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों रियल प्लास की जो कंपनी है उसका जो सारे जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इंस्टाग्राम हैंडल भी मिल जाएगा, और जो रियल प्लास का जो अपने कैटलॉग डिजाइन का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कॉन्टेक्ट नंबर किस तरीके से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आयुष भैया के भी कॉन्टेक्ट नंबर आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनसे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से फर्नीचर इंटीरियर कस्टमाइज करवाना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करिए, कॉल करिए और मजे लीजिए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के साथ शेयर करिए जो इस फील्ड में काम कर रहे, इंटीरियर में काम कर रहे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम।